नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बालाजी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बाइंडिंग क्लासिफिकेशन और बाइंडिंग का बता दिया था। अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो पहले वो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, ठीक है। उस लेक्चर की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले वो देखें, उसके बाद यहाँ। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास की। आज हम बात करेंगे अपराइट स्पिंडल बाइंडिंग मशीन। मैंने पिछली क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि स्लो स्पीड बाइंडिंग मशीन के बेसिक तीन तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपराइट स्पिंडल बाइंडिंग मशीन, और होती है ड्रम बाइंडिंग, प्रेसिजन बाइंडिंग, ठीक है। यही तीन इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है प्रेसिजन बाइंडिंग एंड ड्रम बाइंडिंग। आज के इस लेक्चर में हम तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो जो भी आपके फ्रेंड्स क्या टेक्सटाइल की तैयारी कर रहे हो तो वहां शेयर कर दे। तो आज हम बात करेंगे अपराइट स्पिंडल मशीन। ये बेसिकली होता क्या है, इस मशीन के द्वारा आप क्या करते हैं, जो रिंग फ्रेम से वोविन आती है उनको हम डबल फ्लेंज्ड बार पर वोविन में लपेटने की प्रक्रिया की जाती है। क्या होता है इसमें, रिंग फ्रेम में हमारी छोटी बोबिन तैयार होती है। अब इसमें क्या होता है, डबल फ्लेंज्ड मतलब दो बोबिन एक साथ बाइंड की जाती है, ठीक है। दो बोबिन एक साथ बाइंड की जाती है। इसका यूज बेसिकली कलर्ड यार्न होते हैं उसके लिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये चित्र दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए, दो हमारे क्या है, दो हमारी बोबिन बाइंड हो रही है, ठीक है। दो हमारी बोबिन बाइंड हो रही, एक देखिए रेड कलर है और एक ब्लू कलर है, ओके समझ में आ रहा है। अब देखो तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो क्या होता है, इसमें दो फ्लेंज्ड बार पर बोबिन। अब फ्लेंज्ड मतलब समझ सकते हैं कि दो बोबिन को एक साथ बाइंड किया जाता है, किसके द्वारा, अपराइट स्पिंडल बाइंडिंग मशीन के द्वारा। और इसकी दोस्तों आप, मैंने आपको बता दिया ये क्या है, स्लो स्पीड बाइंडिंग मशीन है। तो इसकी स्पीड कितनी है, 200 से 250 आरपीएम पर मिनट तक हम रखते हैं। अब क्या होने लगा, अब इसका यूज इंडस्ट्री में नहीं होता, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट कम होती है, कम होने लगी है, ठीक है। इसकी कॉस्ट कम होने लगी है तो इसके लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं, ओके। क्योंकि हमें जो प्रोडक्शन चाहिए वो ज्यादा की जरूरत होती है, और इसकी जो स्पीड है वो धीरे होती है, इससे हमारे प्रोडक्शन में हानि होती है। अब इससे क्या होता है कि सामान्यतः मोटे यार्न के लिए यूज किया जाता था, ओके, और इसकी कॉस्ट कम होने लगी, इसलिए अब इसे पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो जान लीजिए इसके बारे में, उसके बाद आप पढ़ना ड्रम बाइंडिंग, प्रेसिजन बाइंडिंग, ठीक है। तो आप देखिए इसका चित्र, देखिए चित्र देखिए, और क्या देखिए, वर्किंग प्रोसेस देखिएगा। ए है हमारा अपराइट स्पिंडल बाइंडिंग मशीन, इसका ए रहा हमारा फिगर, ए मैंने फिगर बनाया, ठीक है, ए फिगर था। अब इसकी वर्किंग क्या है, कैसे वर्क करता है, तो मैंने चित्र भी आपको दिखाया था, उसमें जो प्रोसेस है वो हमारे न्यू मॉडल मॉडर्न है, मतलब नई तरीके की आ गई, लेकिन सबसे पुरानी पद्धति वाली है। पहले मशीन कैसे चलती थी, ठीक है, वो बताऊंगा आपको। देखिए पहले हमारी हार्ट कैम यहाँ पे लगी है, हार्ट कैम के पीछे क्या है, मोटर लगा हुआ है। अभी मोटर क्या करेगा, हार्ट कैम में मोशन देगा, हार्ट कैम में मोशन मिलेगा तो बेल्ट शाफ्ट भी मूव करने लगेगी, ठीक है। जब बेल्ट शाफ्ट मूव करेगी तो हमारी ये चैन पर यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, अब स्प्रिंग लगा है तो ये जब मूव करेगी तो ये जो ट्रेवर्सिंग रॉड है इसको इस प्रकार क्या करेगा, मूवमेंट देगा। फिर यहाँ पे देखिए रिंग बोबिन हमारी लगी है, रिंग बोबिन के बाद बीसीआर बलून कंट्रोल, रिंग लगा है, टेंशनर लगा है ताकि धागा में यार्न में टेंशन बना रहे, उसके बाद क्लीनिंग ब्रश लगा है। फिर देखिए जब ये इस प्रकार ट्रेवर्सिंग रॉड इस प्रकार मूव करेगी तो इस हुक से होकर, अब ये जो ऊपर रोलर लगा है, ये रोलर क्या, जो यहाँ पे स्पिंडल लगा है इसको क्या करता है, यहाँ पे जो बोबिन लगी है इसमें मोशन देती है। अब ये घूमेगा तो यहाँ से जो हमारा यार्न आएगा ये इस पर वाइंड हो जाएगा। तो ये थी हमारी इसकी पूरी प्रोसेस। अब इसके देखिए क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या इसकी जो भी कमियां हैं
और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है वो देख लीजिएगा, उसके बाद हम प्रेसिजन बाइंडिंग और ड्रम बाइंडिंग बताएंगे। तो आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कमियां हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है कि यह मशीन कैसी है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर इसमें क्या हो, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कलर्ड यार्न की हम बाइंडिंग करते हैं, जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया था अभी आपको कि एक रेड था और एक ब्लू था। तो क्या होता है, इसमें सिर्फ कलर्ड यार्न की हम बाइंडिंग करते हैं। अब क्या है, यह जो है ये बहुत कम जगह, बहुत कम स्पेस क्या करती है, ये बहुत कम स्पेस घेरती है। नेक्स्ट इसकी कमियां, अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज समझ में आ गई। अब इसमें क्या कमी होती है, तो इसका इसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट रेट से बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, मतलब लगातार जब बाइंडिंग करें तो कॉन्स्टेंट रेट से बाइंडिंग क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसमें टेंशन से यार्न पॉसिबल, अब देखिए जब ट्रैवर्सिंग रॉड इस प्रकार मूव करेगी तो आपको चित्र अगर आपने सही से देखा तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेंशन सही से नहीं यार्न में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें यार्न में प्रॉपरली टेंशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट यह मशीन का, इस मशीन का क्या जो मेंटेनेंस है वो काफी महंगा है, ठीक है, इसीलिए अब क्या करते हैं इसे बंद कर दिया है। नेक्स्ट, हमारी ज्यादातर इंडस्ट्री में ड्रम बाइंडिंग यूज होती है, ड्रम बाइंडिंग और प्रिसीजन बाइंडिंग। तो आइए अब उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिसीजन बाइंडिंग, किसका है, प्रिसीजन बाइंडिंग। तो अब हम बात करेंगे प्रिसीजन बाइंडिंग की। प्रिसीजन बाइंडिंग, प्रिसीजन बाइंडिंग में देखिए आप कैसे, पहले तो फिगर देखिए प्रिसीजन बाइंडिंग में, ठीक है। तो पहले देखिए फिगर, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म पैकेज डेंसिटी होती है। क्या होता है, यूनिफॉर्म पैकेज डेंसिटी है, जो हमारा पैकेज प्रिपेयर होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, एक कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। पहले चित्र देख लीजिएगा इसका, तो चित्र क्या है कि हम ऐसे ही बना रहे, आप सही से बनाइएगा, ठीक है। ये चित्र देखिएगा, इसमें पहले तो ये हमारी है, क्या है, ये हमारी रिंग बॉबिन है, ठीक है, ये क्या है, हमारी रिंग बॉबिन लगी है। प्रेसीजन बाइंडिंग का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारी रिंग बॉबिन है और ये हमारा है बीसीआर, बीसीआर जिसे हम क्या बोलते हैं, बलून कंट्रोलिंग रिंग, ठीक है, जिसे बलून कंट्रोलिंग रिंग बोलते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा बीसीआर हुआ और ये हमारा है सेंसर गाइड, सेंसर गाइड। ये क्या करता है कि अगर ऊपर यहाँ पे कहीं पे यार टूट जाता है, आप जब इंडस्ट्री जाना तब आप जो ऑटो कूलर मशीन हो या लिंक ओनर हो वहां देख लेना, ठीक है। तो अगर यार टूट जाता है तो ये सेंसर क्या करता है, ये उसमें लाइटें लगी होती है, रेड लाइट है, येलो लाइट है, ठीक है। अगर यार टूट जाएगा तो सेंसर ये लगा होता है क्या करता है, तुरंत रेड लाइट को इन्फॉर्म कर देता है, रेड लाइट जलने लगती है। तो ये सेंसर का बस यही काम होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लगा है टेंशनर, क्या है, टेंशनर लगा है, क्या करता है, यार में टेंशन देता है। नेक्स्ट हमारा एक क्लीनर लगा होता है और ये हमारी होती है रैल, ठीक है, ये हमारी होती है गाइड, यार्न को क्या पकड़े रहती है, ठीक है। और ये हमने मोटर यहाँ पे लगा दिया और फिर ये हमारा फाइनली क्या है, पैकेज बना, ठीक है, समझ में आया।
तो नीचे हमारे विंग बॉबिन होती है, उसके बाद बीसीआर लगा, बलून कंट्रोलिंग रिंग है, सेंसर गाइड है, टेंशनर है, क्लीनर है, रैम लगी होती है लंबी सी खूब, ठीक है, गाइड होता है, उसके बाद पैकेज, और पैकेज मोटर जो होता है वो पैकेज को मोशन देता है, जिससे हमारा जो यार्न होता है वो बाइंड होता रहता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो हमारी यूनिफॉर्म पैकेज डेंसिटी, पैकेज की जो डेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगा कि ड्रम बाइंडिंग और प्रिसीजन बाइंडिंग में अंतर, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रम बाइंडिंग के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ड्रम बाइंडिंग के बारे में। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टिक सॉरी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी नाम से है, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चित्र वगैरह बना ले। प्रिसीजन बाइंडिंग है, ड्रम बाइंडिंग है, उसका जो वो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्रम बाइंडिंग, इसके नाम से ही कुछ समझ में आपके आया या नहीं। ड्रम बाइंडिंग, ड्रम बाइंडिंग यानी ड्रम के द्वारा क्या होगी, बाइंडिंग होगी, ठीक है। तो इसका देखिए चित्र पहले देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये तो हमने क्या किया, अपना पैकेज लगा दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, पैकेज लगा है, पैकेज, ये हमने पैकेज लगाया। नेक्स्ट अब इसमें क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे हम क्या करेंगे, एक ड्रम लगा देंगे। ये मानो कोई हमारा क्या है, ड्रम है, ठीक है, ड्रम है। अब ड्रम में ही हम क्या करते हैं, मोटर लगा देते हैं। ये मोटर लगी है, ठीक है, ड्रम में ही क्या करेंगे, एक मोटर लगा देंगे। मोटर के बाद यहाँ से इस प्रकार हमारा यार्न आता है, और ये यहाँ पे क्लीनर, क्लीनर लगा होता है, फिर होता है हमारा क्या होता है, फिर हमारा ये हम टेंशनर मैंने लगा दिया, और उसके बाद सेंसर गाइड लगा होता है, बीसीआर लगा होता है, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारी ये रिंग बॉबिन लगी नीचे, ठीक है। देखिए ये तो हमारा क्या है, पैकेज लगा है, पैकेज, उसके बाद ये है क्या है, ड्रम है, ड्रम है, और ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, ये क्या है, क्लीनर है, क्लीनर के बाद ये हमने टेंशनर लगाया, टेंशनर के बाद ये हमारा है गाइड रोल, जो क्या करता है यार्न को गाइड करते हैं, ऐसे हम बोल सकते हैं सेंसर गाइड, सेंसर गाइड, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा ये क्या है, बीसीआर है, और ये हमारा क्या है, रिंग बॉबिन है, ये हमारा क्या है, रिंग बॉबिन है। क्या होता है कि जो मोटर होता है, मोटर क्या करेगा, ड्रम, ड्रम को बाइंड करेगा। अब ड्रम के जस्ट ऊपर मान देखो ये हमारा क्या है, ड्रम है। अब ड्रम के ऐसे ही पास क्या करते हैं, हम पैकेज को लगा देते हैं, ठीक है, पैकेज के ऊपर बोबिन लगी होती है। अब जब ये ड्रम ऐसे मूव करेगा तो हमारा पैकेज भी घूमेगा, अब इससे ही हमारा अब यार्न होता है, इसमें खांचे बने रहते हैं, ठीक है, ग्रुप्ड ड्रम होता है हमारा, तो इन खांचों से हमारा यार्न जाता है, यार्न जाएगा ऐसे निकल के जाएगा, और जब ये ड्रम घूमेगा तो ये पैकेज लगा वो भी घूमेगा, बोबिन लगी वो भी घूमेगी, तो हमारा यार्न है इस प्रकार, यार्न इस प्रकार इस पर बाइंड होता रहेगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से प्रोसेस नीचे से जाती है, ऊपर हमारी फाइनली कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, कुछ समझ में आया। और ये क्या होता है, ये हमारा हाई स्पीड मशीन होती है, हाई स्पीड, इसकी स्पीड उन दो मशीनों की अपेक्षा कैसी होती है, कुछ ज्यादा होती है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई थी अपराइट स्पिंडल और प्रिसीजन, तो उसकी अपेक्षा ज्यादा होती है। और इसके क्या होता है, गुड गुड पैकेज स्टेबिलिटी, ठीक है, एक हमें अच्छा पैकेज मिलता है, स्टेबिलिटी, गुड पैकेज स्टेबिलिटी, हमें जो फाइनली हमें जो कोन या बॉबिन तैयार नहीं हो जाती है, तो उसकी जो भी
क्वालिटी है वो अच्छी मिले रहती है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी ड्रम बाइंडिंग की। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मैंने अभी आपको देखो बताया क्लीनर क्या होता है, टेंशनर लगा है और भी बीसीआर सेंसर गाइड। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बाइंडिंग में अभी 3 लेक्चर और लूंगा, 3 लेक्चर और लूंगा उसमें बाइंडिंग सारी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो वो लेक्चर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारी आएगी बार्किंग, फिर साइज, तो ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को रखते हैं बस यहीं तक, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा होने वाला है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे जो भी नया जुड़ा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारी आने वाली नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती।